कोकिला, कश्मीरा, जयंती, काली कावेरी और विंध्या, ये नाम हो सकते हैं कून्हो अभयारण्य में आए मादा चीतों के। इसी तरह ब्रह्मा, शिव, सिंधु, रविंद्र और आरंभ जैसे नाम नर चीतों को मिल सकते हैं। कून्हो राष्ट्रीय अभयारण्य में बसाए गए 8 चीतों को जल्द ही नए नाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में चीतों के नामकरण के लिए लोगों से सुझाव देने का आग्रह किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता चलाई। 7 दिन चली इस प्रतियोगिता में 11,565 नाम पहुंचे। अब इन नामों को केंद्र सरकार दिल्ली में चयन करेगी, जिसका प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कून्हो राष्ट्रीय अभयारण्य में नामीबिया से लाकर 8 चीते बसाए गए हैं। दुनिया के इस अनोखे प्रोजेक्ट में लाए गए ये चीते अब स्वस्थ हैं और भारतीय जलवायु के अनुसार रहना सीख रहे हैं। इन चीतों के नामकरण के लिए 26 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों से नाम मांगे गए। लोगों ने भी इस प्रतियोगिता में उत्साह से भाग लिया और 11,565 नाम सुझा दिए। इस चीता प्रोजेक्ट के लिए भी 18,221 नाम सुझाए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए मिशन चित्राक, प्रोजेक्ट अविनाश, रिटर्निंग चीता इन इंडिया, राष्ट्रीय चीता पुनर्स्थापना योजना जैसे कई नाम सुझाए गए हैं। वन विभाग के DFO PK वर्मा का कहना है कि चीतों के नामों का चयन दिल्ली में किया जाएगा और प्रधानमंत्री इनके नामों की घोषणा करेंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले 4 साल के एक मादा चीता को प्रधानमंत्री आशा नाम दे चुके हैं। तो बस जल्द ही कून्हो अभयारण्य में आए इन चीतों को आप उनके नए नामों से पुकार सकेंगे।